मैदान में जुल्म ज्यादती होगी हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। जो इनइक्वालिटी दिखाया जा रहा है तो ये क्यों दिखाया जा रहा है? हमारे संविधान में तो ऐसा नहीं है। जिन्होंने ये हरकत करी है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो और एक्शन लेना चाहिए। हमारा बेसिक डिमांड ये है, ये फायरिंग को रिस्पॉन्सिबल लोग कौन कौन है? हम तो संविधान के साथ खड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। असम में 800 मुस्लिम परिवारों का घर तोड़ दिया जाता है, उसके सरकारी आदेश के अनुसार, यानी बुलडोजर चला दिया जाता है। उसके बाद फिर 23 सितंबर को असम पुलिस दारंग जिले के धौलपुर गांव में जाती है कुछ बचे खुचे घरों को खाली कराने। वहां पे पुलिस और ग्रामीण जो वहां पे बचे होते हैं उनमें विवाद होता है, लोग नारेबाजी करने लगते हैं और देखते ही देखते जो ग्रामीण होते हैं और पुलिस के बीच झड़प हो जाती है, जिसमें दो लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद 9 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। उसके बाद उसमें एक पत्रकार, एक फ़ोटो जर्नलिस्ट यानी फोटोग्राफर की तस्वीरें, वीडियो वायरल होने शुरू हो जाती है, जिसमें वो एक मृत शरीर पे उछल उछल कर मार रहा है। उसको लेकर देश भर में तमाम अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। असामियों को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर गए हैं और अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। हमारे पीछे देख रहे होंगे आप, कुछ बच्चे यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और असम के जो लोगों के साथ ना इंसाफी हुआ उनको इंसाफ दिलाने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं और ये यहाँ पे पीछे हैं और हम अब इनसे बात करेंगे कि इनकी जन्मिन मांग क्या है, क्यों, क्या वजह है, क्या चाहते हैं ये असम के लिए, क्योंकि असम सरकार का कहना है कि हम वो अवैध कब्जा था और अवैध कब्जे को हटाने के लिए हमने वो खाली करवाया है और जो काफ़ी दिनों से वहाँ पर रह रहे थे। आप लोगों ने जो कॉल दिया है असम के लिए, तो आप लोग क्या चाहते हैं असम में? जैसे सरकार का कहना है कि जो अवैध कब्जा था उसको हटाया गया। हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारे समाज में ये जो फासीवादी दमन चल रहा है, ये जो इस्लामोफोबिया जो चल रहा है, ये पूरे तरीके से ब्राह्मणवादी हिंदुत्व के समर्थन करके और मोदी और अमित शाह ये सरकार का और RSS का फांसीवाद को यहाँ लागू करने के लिए ही ये सब कर रहा है। और यहाँ मुसलमान लोग जो माइनॉरिटी है, केवल मुसलमान ही नहीं बाकी सारे माइनॉरिटी, आप देख रहे होंगे कि साउथ इंडिया में जो श्रीलंका से आए हुए ये जो रेफ्यूजीज है और म्यांमार से आए हुए रोहिंग्यन से, ये सारे रेफ्यूजीज और यहाँ के जो मुसलमान लोग हैं, ये पूरे भारत से CANRC लागू करने से दूर जाएंगे, यही CANRC का हाल होंगे, मतलब उसका रिजल्ट होंगे। तो इस यही समझ के हम ये भारत से इस्लामोफोबिया को दूर हटाने के लिए और ये संघीवादी फांसीवादी सरकार का ये दमन के विरोध में हम ये संघर्ष चालू किए हैं यहाँ पे। जैसे इनका कहना है कि CANRC लागू होने के बाद में कुछ लोगों को यहाँ से बेघर कर दिया जाए, बेदखल कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हम किसी की नागरिकता नहीं छीनेंगे और ना ही किसी को यहाँ से बेदखल किया जाए। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर हम भारत देश में है इक्वालिटी की बात करते हैं, आर्टिकल 15 जो हमें कहता है कि किसी रिलीजियस या फिर कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर हम किसी को मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, तो आप सीधे तौर पर CA वाले डॉक्यूमेंट में देख लीजिए, वहाँ पर डायरेक्टली जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी या कोई खास तबका, मैं किसी ये का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, मुस्लिम तभी तो कम्युनिटी को उन लोगों ने नाम नहीं दिया, तो ये जो इम्बैलेंस, जो इनइक्वालिटी दिखाया जा रहा है, तो ये क्यों दिखाया जा रहा है? हमारे संविधान में तो ऐसा नहीं है, तो हम तो संविधान के साथ खड़े हैं। अभी आप लेटेस्ट में फिर आप जो देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चूड़ी वाले के साथ हुआ, कहीं और हुआ, दिल्ली में जब कोरोना का ये हो रहा था तो तबलीगी जमात वाला हुआ था, फिर गांव-गांव में, शहर-शहर में उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो ये जो माइनॉरिटी के साथ, मतलब माइनॉरिटी, आप किसी भी दूसरे देश में भी चले जाएं, तो जैसे पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे भी तो माइनॉरिटी के साथ हर जगह दमन हो रहा है। तो भारत जैसे देश में अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो ये दमन माइनॉरिटी के साथ नहीं चलना चाहिए। बस सिंपल सी बात है, हम युवा हैं, हम छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो हम अपने संविधान के साथ खड़े हैं, संविधान के लिए खड़े हैं और संविधान को बचाने की ये लड़ाई है, सिंपल सी बात है। और NRC, हम जैसे झारखंड से आते हैं, वहाँ पे आदिवासी हैं, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए, ज़िंदगी में उनके पास पता ही नहीं कोई पेपर है या नहीं है, तो आखिर चाहते क्या ये हैं? वो चाहते हैं कि भाई उनके पास पेपर नहीं है तो उन्हें हम निकाल दें। तो ये CA और जो NRC का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है और ये माइनॉरिटी, आदिवासी, दलित लोगों के पूरे खिलाफ है, तो इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं। और ये जो दमन है पर डे, जैसे असम में जो हुआ, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये कोई पहला ऐसा घटना नहीं, उससे पहले जो घटनाएं हैं, जो एक क्रोनोलॉजी चल रहा है,
तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा और हम युवाओं को, हम अपील करते हैं देश के युवाओं से कि हमें आगे आना होगा और ये जो इनह्यूमन नेचर जो दिख रहा है फासिस्ट गवर्नमेंट का, तो उसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो असम में जैसे आपने देखा कि वहाँ पे कैसे घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं, उसके बाद में कुछ परिवार वाले उसका अपने बचाव करते हैं, उनके सीने पे एक शख्स के सीने पे गोली चलाई जाती है, गोली लगती है और वहीं पे धराशायी हो जाता है। तो इनका कहना है कि हम उनके इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। बाकी और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डिमांड है इनकी, जेन्युइन क्या चाहते हैं ये लोग। जैसे असम में जो असम का जो आप लोग मुद्दा उठाए यहाँ पे, असम के जो लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, तो किस तरीके से जैसे वो लड़का जो एक जो फोटोग्राफर था जो सीने पे कूद रहा था, वो तो गिरफ्तार हो चुका है, अब क्या चाहते हैं? देखिए, आसाम में जो कुछ हुआ वो उसको हम सिंपली एक क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट नहीं कह सकते, ये प्री प्लान जो है मर्डर है। आप देखिए किस तरह से एक निहत्थे आदमी को, बूढ़े आदमी को मारा गया, उसी तरीके से एक बच्चा जो अपना आधार कार्ड बनवा के आ रहा था, उसकी कोई उसमें वो नहीं है, एक 12 साल का बच्चा, किस बात का थ्रेट है स्टेट को या कि पुलिस को, जिस तरीके से उसने उसको गोली से मारा, उसका उसका एक ब्राइट फ्यूचर था और उस पर जो जुल्म हुआ, उसकी जो मौत हुई, उसका जवाब कौन देगा? तो हमारा बस हमारा ये सरकार का कहना है कि हम बहुत पहले निर्देश दे चुके थे कि आप लोग खाली कर दीजिए। देखिए, हमें निर्देश, हम ये नहीं देख रहे हैं, वो खाली है और दूसरी जगह पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे वो रह रहे हैं। अभी एसआईओ का एक डेलीगेशन गया था वहाँ पे, उसने पूरा दौरा किया और किस तरीके से क्या क्या वहाँ पे उनकी व्यवस्थाएँ क्या है, उनके रहने का क्या है, बहुत ही खराब हालत में वो रह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब प्री प्लान उनको गोली मारा जाए, यानी इस किस बात का खतरा था, कौन उसमें से कौन लोग आके आपको गोली चला रहे थे या आपको मार रहे थे? तो हमारा ये कहना है कि ये प्री प्लान उनको मारा गया, उनके ऊपर जुल्म किया गया और इस तरह, और ये दुश्मनी है, मुस्लिम दुश्मनी। आप देखें कि एक मीडिया पर्सन को इससे क्या मतलब हो सकता है कि वो एक लाश में जाके कूदे? इसका मतलब ये है कि ये जो जहर है मुस्लिम दुश्मनी का, इस्लामोफोबिया का जो जहर फैलाया गया है, वो पूरी तरीके से एक सोसाइटी में जो है ना जहर बन चुका है और उसके दिलों में घुस रहा है। हम इसके खिलाफ आवाज उठाने आए, इस इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो कि गवर्नमेंट जो है पोर्ट्रे कर रही है हर जगह। तो इनका कहना है कि हम लोग किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, बल्कि उनको इंसाफ दिलाने के लिए, जैसे कि मीडिया पर्सन यानी फोटोग्राफर होता है, वो कैसे सीने पे कूद कूद के प्रहार करता है, एक मृत शरीर पे कूदना किस संविधान में लिखा है? खैर, जैसे यहाँ पे आप लोग जो आज कॉल दिए हैं, लगातार उनको इंसाफ दिलाने के लिए कॉल दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार पे इसका असर नहीं पड़ रहा है और सरकार लगातार जो एक रवैया है उसका वो बढ़ते जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट मिला है अपनी आवाज़ उठाने का, हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। जहां कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में जुल्म ज्यादती होगी, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। सरकार को उस पर एक्शन लेना होगा, जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी और इंसाफ देना होगा। लेकिन वो तो लड़का जिसके लिए इंसाफ की बात की जाए, तो वो तो गिरफ्तार हो चुका है, बाकी प्रशासन कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, इस पर जांच बैठी जी, बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, तो होनी ही चाहिए। हम लोग बार बार देखते हैं कि हिंदुस्तान में कभी यहाँ लिंचिंग, कभी वहाँ लिंचिंग, कभी गिरफ्तार किया जाता है और कभी छोड़ दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि एक बाकायदा ऐसा कुछ सरकार जो है इनिशिएटिव ले कि ये लिंचिंग वगैरह और जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो हमेशा के लिए बंद हो। आप लोग जैसे गए, बता रहे हैं कि एसआईओ की टीम गई थी वहाँ पे असम में और देख के आई है कि उनके हालात क्या हैं, तो अभी बताइए जो कुछ परिवार जो बचे हैं जिनके घर तोड़ने दोबारा पुलिस गई थी, तो उसमें झड़प होती है, तो उनकी हालत अभी कैसी है, कैसे वो रह रहे हैं, क्या उनके रहने का कुछ? अभी असम के हमारे एसआईओ के जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं सलमान साहब, वो गए वहाँ पर, उन्होंने वहाँ पर हालात देखे। अभी मेरी इस तरह की कोई खास उनसे मुलाकात नहीं हुई है सलमान साहब से वहाँ से आने के बाद, अभी और लोगों से मालूम करी क्योंकि अभी मैं उनसे मुलाकात नहीं करी, लेकिन जो कुछ देखा मैंने ये है कि एसआईओ ने वहाँ पर जाकर अपना एक दबदबा रखा है और उन लोगों को आश्वासन दिलाया कि हम आपके साथ हैं, आप परेशान ना हो। और जैसा आपने भी देखा कि उन्होंने जो मोइनुल हक है उसके बच्चों को, तो मोइनुल हक के लिए आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए उसके उनके परिवार के साथ जो बच्चे? यार एक बात बताओ, आप एक घर का मुखिया छीन लेंगे, अब हम क्या क्या उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उनके लिए जो भी किया जाए वो कम है, मोइनुल हक को नहीं ला सकते? एसआईओ ने उनकी तालीम का इंतजाम किया लेकिन हम उनको एक सहारा दे रहे हैं, हम उनके लिए मोइनुल हक नहीं ला सकते, ना ही गवर्नमेंट ला सकती है। हम मोइनुल हक के लिए नहीं, ऐसे 100 मोइनुल हक के लिए आवाज़ उठाते हैं कि आइंदा ये हरकत ना हो और जिन्होंने ये हरकत करी है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो और एक्शन लेना चाहिए। और मैं ये सरकार से आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि क्यों निकालना चाह रही है सरकार आसाम से मुसलमानों को? क्या उनका हक नहीं है अपने घर में रहने का? कौन है वो इंसान नहीं है?
तो इनका है कि मोइनुल हक के साथ इंसाफ होना चाहिए और उन जो एक जैसे इन्होंने एसआईओ का कहना है कि हम लोगों ने उनके बच्चों के जो पढ़ने उड़ने का उनके तालीम की व्यवस्था कर दिया है, बाकी और इनका है कि जस्टिस होना चाहिए। उस पर कम लोगों के बात करने के लिए भी और भी हमारे साथ हैं जिन्होंने कॉल दिया था आज कि इस आंदोलन को करने के लिए। जैसे कुछ आपके साथी बता रहे थे कि हम लोग हमारी टीम वहाँ गई थी जी जी, तो उनके अभी जो लोग बचे हुए हैं कुछ लोग, वो कैसे रह रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है कुछ बताएं? वो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट, हमारा नेशनल प्रेसिडेंट सलमान अहमद के साथ इंक्लूडेड एक पूरा डेलीगेशन वहाँ गया है। चीफ मिनिस्टर को मिले थे, एसपी को मिले थे, बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटर को मिले थे, या फैमिली को भी मिले थे। बहुत सारे लोग अभी भी ही टेंट में वो जगह के किनारे में, नदी के किनारे में कुछ बहुत टेम्पररी मेकशिफ्ट टेंट बना के वहाँ पे रहने हैं। बहुत सारा रिलीफ का काम भी बाकी है वहाँ पे, वो रिपोर्ट अभी वहाँ से आ रहे हैं ऐसा है। बहुत सारे रिलीफ का काम भी अभी ज़रूरी है, ये विक हुआ है उनका फैमिली के लिए रिलीफ का काम बाकी है, ये रिपोर्ट वहाँ से आ रही है अभी। तो आप लोग क्या चाहते हैं, जैसे आज आप लोग धरना दे रहे हैं तो इसमें क्या हमारा मांग है? हाँ, हमारा बेसिक डिमांड ये है, ये फायरिंग को रिस्पॉन्सिबल लोग कौन कौन है, वो चाहे या पुलिस ऑफिसर्स हो, पुलिस पर्सनस हो, और या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो और पॉलिटिशियंस हो, सब लोगों के अगेंस्ट एक आइडियल पनिशमेंट होना है। ये हम ये इसलिए बोल रहे हैं, पहले वहाँ पर नेल्ली मासेकर हुआ है, हज़ारों लोगों को मासेकर किया है, फिर भी एक आदमी के अगेंस्ट भी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया है, इसलिए ये रिपीट हो रहा है। एक आइडियल पनिशमेंट होना है, उसके बाद उसके फिर भी उसके बाद ये ख़त्म होगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू रहेगा। ये 30 साल से 40 साल से कंटिन्यू हो रहा है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। सरकार तो बोल रही कि उनको हम पहले से बोल चुके थे खाली करिए, वो यहाँ कहते ही नहीं उनको। असल में ये एक एविक्शन, गवर्नमेंट बोल के कोई भी उनका जगह छोड़ के नहीं जाएगा, वो सीधी सी बात है। गवर्नमेंट आके बोला है आप इधर से जाना, ऐसा नहीं जाएगा। उनको अश्योरिटी देना है कहाँ पर रिहेबिलिटेशन होगा, कहाँ पे बदल में लैंड कहाँ पे मिल जाएगा। और ये केस अभी भी हाई कोर्ट में है, ऐसा नहीं ये कोर्ट का ऑर्डर आया है, अभी भी लोग हाई कोर्ट का ऑर्डर इंतज़ार कर रहे हैं। हाई कोर्ट ऑर्डर आने से पहले क्यों गवर्नमेंट ये कर रहे? और एक एविक्शन होने के टाइम में श्योरली कुछ रेसिस्टेंस होगा, उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए है ना पुलिस। लेकिन ये पुलिस क्या कर रहे? पुलिस ये गाली दे रहे, मतलब ये शूटिंग कर रहे, ये मतलब पुलिस को क्यों, पुलिस को इसके लिए लीगली भी इसके लिए कोई ये नहीं है, अलाउड नहीं है पुलिस को आगे चेस्ट में शूट करने के लिए, कोई लो अलाउ नहीं कर रहे। तो इनका कहना है कि जो मोइनुल हक के साथ हुआ वो गलत हुआ था और इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मोइनुल हक को के सीने पे गोली मारी जाती है, यानी वो सामने से आता उसके बाद सीने पे गोली मार दी जाती है, उसके बाद वो जब गिरता है तो एक पुलिस वाला उस पर डंडा भी चलाता है, जबकि ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप किसी के सीने पे वार करें। अगर आपको कहीं लग रहा है कि कोई किसी भी आंदोलन में किसी भी जगह पे अगर कोई खतरा उत्पन्न होने वाला है, या कोई आपको आशंका है कि कुछ यहाँ पे शांति भंग हो सकती है, तो आप उनको पहले आगाह करेंगे, उनको कहेंगे कि आप खाली कीजिए जगह, उसके बाद आप हवाई फायरिंग कर सकते हैं, लेकिन सीने पे फायरिंग करने का कहीं भी अलाउ नहीं है। और वो लास्ट ऑप्शन होता है जब आप उग्र हो जाए प्रदर्शन, तो आप घुटने पे गोली मार सकते हैं। तो ये जो एसआईओ के जो सदस्य हैं ये यहाँ पे धरना दे रहे हैं, और इनका कहना है कि मोइनुल हक के साथ इंसाफ हो, उसको कौन 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 लोग उसमें शामिल है, कैसे गोली मारी गई है, और उनके साथ मतलब प्रॉपर जांच की मांग कर रहे हैं ये लोग। तो खैर, देखते रहिए हमारे चैनल दिकंट, आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।